भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा आइए हम आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं विष्णु शर्मा। नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार से भगवान के निर्गुण होने की विद्या प्राप्त होती है। हिरण्यकश्यपु ने अजर अमर होने के लिए एक बार घोर तपस्या किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, हे प्रभु, आप मुझे यह वर दीजिए कि आपके द्वारा उत्पन्न किए किसी प्राणी के अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग, किन्नर आदि से मेरी मृत्यु न हो सके। न मैं घर के भीतर मर सकूं, न बाहर, न मैं दिन में मर सकूं, न रात्रि में, न पृथ्वी पर मर सकूं, न आकाश में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने का विचार किया और तीनों लोकों के देवता असुर, नाग, गर्धव, मनुष्य, राक्षस आदि को जीत लिया। वह इंद्र को हराकर स्वर्ग में वास करने लगा। अमरावती के एक क्षत सम्राट होकर स्वतंत्रापूर्ण विहार करने लगा। देवता उसके चरणों की वंदन करते थे। मतावली मंदिरा में वह मस्त रहता था। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र थे, उसमें से प्रहलाद सबसे छोटे थे। प्रहलाद के बचपन में ही भक्ति बंध में अनुराग लगा लिया था। भगवान विष्णु के चरणों में उनका अटूट प्रेम था, किंतु विष्णु के वैर रखने के कारण हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अपराधी मानकर दंड देने पर उतारू हो गए। उसने दैत्यों को बुलाकर कहा कि तुम इसे शीघ्र मार डालो, यह विष्णु की पूजा करता है। अपने राजा की आज्ञा सुनकर दैत्य ग्रह त्रिशूल लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े, किंतु प्रहलाद चिंत मन, वाणी और कर्म से सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मलीन था। उसके लिए दैत्य सभी प्रहार व्यस्त रहे। यह देखकर हिरण्यकश्यपु की अति चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए मतवाली हाथियों के नीचे कुचलवाया, विषधार सांपों से डसवाया, पर्वत के नीचे से गिरवाया, विष दिया गया, बर्फ में दबाया गया, दहकती अग्नि में जलाया गया, किंतु भगवत प्रायण भक्त प्रहलाद किया बाल भी पाका न हुआ। प्रहलाद अभय होकर असुर बालकों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देने लगा। उसके इस कृत्य से हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित बोला, रे नीच, तू स्वयं को बिगड़ता ही जा रहा है और हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। रे मूर्ख, तू किसी के बल भरोसे पर निडरता पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करता है। तभी प्रहलाद बोले, हे पिताजी, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के बल पर ही भरोसा करता हूँ। वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वत्र हैं। आपको भी आपकी आशुरी भाव को छोड़कर उन्हीं की परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे नीच, अब तेरे सिर पर काल खेल रहा है। तेरा वह जगदीश्वर यदि सर्वत्र है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता। इतना कहकर बड़े जोर से खम्भे पर घुसा मारा। उसी सर खम्भे से एक बड़ा भयंकर नाद हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। उस खम्भे को फाड़कर एक विचित्र रूपधारी भगवान प्रकट हो गए। वह स्वतंत्र रूप से पूरा मनुष्य था, लेकिन न पूर्ण सिंह था न पूर्ण ब्रह्मा। के वचन के सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को पकड़कर द्वार पर ले गए और उसने अपनी जांघों पर रहकर कहा, रे असुर, देखना, मैं मनुष्य हूँ न पक्षी हूँ, न तू घर में है न घर के भीतर है, न तू पृथ्वी पर है न आकाश में है, न सूर्यास्त हो चुका है किंतु रात्रि का पदापरण नहीं हुआ है, अंतः न रात है न दिन है। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकश्यपु के शरीर को फाड़कर उसका वध कर दिया। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ राजेश कुमार शास्त्री, सिद्धार्थ नगर से।